हेलो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। हेपेटाइटिस वो बीमारी है जिसमें कि लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब एक तरह का सूजन। हेपेटाइटिस आमतौर से एक इन्फेक्टिव बीमारी मानी जाती है जो कि हेपेटाइटिस वायरस से होती है। हेपेटाइटिस वायरस के कुछ प्रकार हैं, पर आजकल ये भी पाया गया है कि लिवर में जो सूजन है वो हेपेटाइटिस वायरस के अलावा फैटी लिवर के कॉम्प्लिकेशन से भी हो रहा है। फैटी लिवर वो कंडीशन है जबकि लिवर के अंदर जो फैट है उसका कंटेंट बढ़ जाता है लिवर के सेल्स के आसपास और उसके अंदर। ये एक लेवल तक कॉम्प्लिकेट होने के बाद काफी और गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकता है। और फैटी लिवर को नॉर्मली अल्ट्रासाउंड टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। अब इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस जो कि हेपेटाइटिस वायरस से होता है, इसको क्लिनिकली दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। एक है अक्यूट हेपेटाइटिस और दूसरा है क्रॉनिक हेपेटाइटिस। अक्यूट हेपेटाइटिस जो है वो किसी भी हेपेटाइटिस के स्टार्टिंग फेज में जो बीमारी होती है उसे अक्यूट हेपेटाइटिस कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस ए वायरस जो कि पानी में या इन्फेक्टेड पानी से कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये अक्यूट इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस कहा जाता है। और आजकल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत छोटे बच्चों को हेपेटाइटिस ए के टीके भी दिए जाते हैं। हेपेटाइटिस बी जो कि दूसरा कॉमन फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस है, वो मोस्टली क्रॉनिक हेपेटाइटिस के फॉर्म में पाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसे हेपेटाइटिस बी की बीमारी है, पर लंबे समय तक हेपेटाइटिस बी की बीमारी से लिवर कैंसर तक भी हो सकता है। तो ये जरूरी है कि हम हेपेटाइटिस के इन्फेक्शंस कैसे होते हैं इसके बारे में जानें। एक और फॉर्म का हेपेटाइटिस अक्यूट हेपेटाइटिस होता है जो प्रेग्नेंट विमेन में पाया जा सकता है, जिसे जो कि हेपेटाइटिस ई वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए की बीमारी अक्सर बरसात के मौसम में, जबकि गंदे या इन्फेक्टेड पानी किसी तरह से अगर मरीज पी ले तो उससे होता है। इसीलिए स्वच्छ पानी का इस्तेमाल हेपेटाइटिस ए के रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो हैं, ये मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी आ सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी से मोस्टली हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि पेशेंट या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे कि लैब वर्कर्स या वो लोग जो ब्लड बैंक में काम करते हैं या नर्सिंग स्टाफ, उन्हें तो रेगुलरली हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन बूस्टर डोज और उसके एंटीबॉडी की जांच करानी चाहिए। तो हेपेटाइटिस बी जो है ये लंबे समय तक लिवर में एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म में भी रह सकता है। इसीलिए ऐसे कोई भी लोग जिन्हें की ये पॉसिबिलिटी है कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ हो या हो सकता है, उन्हें इफेक्टिवली हेपेटाइटिस बी की जांच जरूर करानी चाहिए। ये सारे हेपेटाइटिस के जांच जो हैं बहुत ही कॉमनली लैब्स में अवेलेबल हैं और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। रैपिड कार्ड टेस्ट या फिर एलाइजा मेथड से इनकी जांच की जा सकती है। कई बार जो नोन पेशेंट्स हैं उनमें हेपेटाइटिस के वायरस के लोड का पता लगाने के लिए मॉलिक्यूलर टेस्ट या पीसीआर की जांच भी कराई जाती है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है हेपेटाइटिस के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी स्टेज अवेयर ऑफ व्हाट हेपेटाइटिस इज, एंड जागरूक होने से हम इस संक्रामक बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं और जो अफेक्टेड हैं वो इसका सही इलाज भी करवा सकते हैं।
सही समय पर हेपेटाइटिस की डायग्नोसिस होने पे ये बहुत वेल ट्रीटेबल है। हेपेटाइटिस ए इज अ क्योरेबल सेल्फ लिमिटिंग इलनेस। हेपेटाइटिस ए के इन्फेक्शन को तो हम कॉमनली जॉन्डिस के फॉर्म में आम लैंग्वेज में यूज करते हैं, बट जॉन्डिस जो येलोनेस ऑफ द बॉडी है, स्किन एंड आईज, वो सभी फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस में मिल सकती है। थैंक यू।